एक बंदा मेहनत कर रहा है, उसका हाथ नहीं है। और उसके बाद मैं इनके चैनल पर गया था, 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर काफी होते हैं, एक नंबर काफी अच्छा नंबर होता है। तो मैं ना आज बहुत दिनों बाद अपने रूम से निकला हूँ, और क्योंकि दोस्त आए हुए हैं। तो कितनी देर में खत्म कर दी? 10 मिनट में। ये होता है, देखो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अभी देखो हमारे जाके नगर में ना कितनी भीड़ रहती है, जाम रहता है। कैसे हो दोस्तों? भाई अपने जगह पर सोने का ना अलग ही मजा है। तो मैं इससे मैं ना अपने स्टूडियो में हूँ, यानी दिल्ली में हूँ। और आज का जो दिन है ना बड़ा स्पेशल होने वाला है यार। मैंने एक लाइन तो बोली नहीं। कैसे हो दोस्तों? एक नया दिन, एक नया सफर, ये लाइन भाई मैंने पेटेंट करा ली है अपनी। तो आज ना क्या हो रहा है कि एक गेस्ट को मैंने बुलाया है, और वो गेस्ट आ रहे हैं यूपी से। पूरी कहानी क्या मैं आपको बताऊंगा। बट मैंने क्या किया है कि जब मैं दिल्ली होता हूँ तो ज़्यादातर मैं अपने स्टूडियो में रुकता हूँ, तो पहले मैं तैयार होता हूँ, तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई दिल्ली की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसमें से एक है पानी की प्रॉब्लम। मैंने सोचा गेस्ट आने से पहले मैं फ्रेश हो जाऊंगा, लेकिन पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो गेस्ट को ना थोड़ा ऐसा इनके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले ना मैंने अपने स्टूडियो में कुछ चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले रूम से शुरुआत करता हूँ। तो इसमें तो ये लगा दिया था, ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैं लेकर आया था एक थॉट। देखो ये असल में इसका कलर ऐसा ना, दीवार पे जो है ना पेंट नहीं है, तो इसकी वजह से छूट रहे हैं। तो यह है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम तो इट्स नाउ। ये मैंने एक मोटिवेशनल थॉट्स यहाँ पर लगाया था। साथ ही मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ भी मैंने कुछ चेंजेस किए थे। ये तो मैंने लगाया दिखाया था आपको। ये देखो मैं एक और नया लेकर आया था, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, ये मैंने लगाया है। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये तो दीवार पर पेंट नहीं है, तो इसकी वजह से नहीं छूट सकता आने वाले टाइम में। उसके बाद फिर मैंने एक ये मंगाया, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, तो मतलब कहीं से तो शुरुआत कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने इसमें दो पौधे और मंगाए। ये देखो ये वाला पौधा मैंने अलग से मंगाया था, तो इससे मेरे पास 3 और 3 6 9 पौधे हैं। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूख सा रहा है ये वाला थोड़ा, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि हर तीसरे दिन थोड़ा सा पानी डलता है, थोड़ा सा पानी, बाकी खाद वगैरह डलता है। तो ये मैंने पौधे मंगाए। स्टूडियो के अंदर भी कुछ चेंजेस किया है, चेंजेस तो नहीं किया, पता क्या हो रहा था, ग्रीन स्क्रीन के लिए ना आवाज़ ईक हो रही थी। देखो ये जो आप टेप देख रहे हैं ना, इस टेप पे मैंने ये चिपकाए थे, ये फोम वाले होते हैं जो वॉइस ईको होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन चिपक ही नहीं पाए, दो गिर गए, पूरे गिर गए, कि दीवार का पेंट नहीं है ना, इस वजह से ये पूरे गिर गए। तो इसे करना पड़ेगा पूरा का पूरा। देखो इधर भी लगाए थे, सारे गिर गए। और दूसरा भाई गेस्ट जो आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं यूपी से। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, अचानक मुझे ना इनकी वीडियो यूट्यूब ने रिकमेंड की। तो जब मैं वीडियो देखा था इनके लिए, क्या देखा मैंने कि इनका ना एक हाथ नहीं है। ओ आई लिटरली क्राइड दैट टाइम, मतलब मेरे ना आंखों में आंसू आ गए कि यार एक बंदा मेहनत कर रहा है, उसका हाथ नहीं है। और उसके बाद मैं इनके चैनल पर गया था, 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर काफ़ी होते हैं, एक नंबर काफ़ी अच्छा नंबर होता है, प्लस 200-300 वीडियो डेडिकेशन के साथ। मैंने ना एक सेकंड नहीं गवाया, मैंने कहीं से इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और तुरंत मैंने कॉल किया। इन्हें पता भी नहीं हुआ कि अहबाज भाई कॉल करने वाले, मैंने कॉल किया, मतलब आप ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, मतलब तुरंत आप दिल्ली। अब ये सोचने लगे यार कि अचानक कैसे कैसे हो गया। तो फिर कहने लगे मैं परसों तरसों को आऊँगा। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई अपॉर्चुनिटी डजेंट हैपन यू क्रिएट देम, मौके मिलते नहीं हैं, भुनाने पड़ते हैं आपको मौके। मेरे भाई मेरे पास 300-350 लड़कों की ना लिस्ट रखी हुई है अभी भी वेटिंग में, और मैं आपको खुद फ़ोन कर रहा हूँ। तो खैर इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो सुबह ये 8 बजे चले थे यूपी से, और ये रात को आ गए थे 11 बजे। तो मेरा ये था कि नाइट स्टे मैंने अपने रूम में कराने वाला था, बट ये 11:30-11:12 इन्हें आनंद विहार पर हो गया था। तो मैंने कहा ये काम करो, आनंद विहार पर रूम ले लो आप, और सुबह को आराम से मेरे पास फ्रेश होकर आओ। तो वो अभी आ रहे हैं, और काफ़ी जब मैंने इनकी वीडियोस देखी ना, मतलब हैंड नहीं है, एक हाथ से काम करना आप समझ सकते हो कितना तकलीफदेह होगा, लेकिन एक हिम्मत देख लीजिए किस तरीके से उनके अंदर जज्बा के वो काम कर रहे हैं। तो अभी मैं गेस्ट का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पानी तो है नहीं, नहाया हूँ होने में, तो जैसे ही पानी आएगा नहाऊंगा मैं। बट गेस्ट आने वाले हैं, उनका मैं वेलकम करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और सब तो भाई फाइनली हमारे जो है गेस्ट आ गए, और किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं भाई जान। अच्छा आपको आपसे मिलने के लिए कोई भी परेशानी है उससे लड़कर? एक्चुअली क्या हुआ ना, पानी नहीं आ रहा सुबह से। अच्छा, तो मैं भी अभी कहीं गया हुआ था, अभी तो आया था थोड़ी देर पहले, तो पानी आ ही नहीं रहा, तो मैं वेट कर रहा था पानी का, फिर आप ही कॉल आई कि आप आ गए हो।
तो भाई ये गेस्ट है, ये काफी दूर से आए हैं। यूपी में कहाँ से आए हो? यूपी डिस्ट्रिक्ट चंदौली हमारा है। चंदौली, चंदौली कितना पड़ता होगा यहाँ से? यहाँ से 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर का सफर, कितने घंटे का सफर था ट्रेन से आपका? 12 घंटे का सफर। आप आनंद विहार रहे थे? हाँ। आप कौन है उनके? मेरे भाई यही है। अच्छा भाई, अच्छा दोस्त, मतलब भाई वाला हमारा ऐसा मसला। आपको क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आपका? जमशेद अहमद। जमशेद अहमद, आपका चैनल भी इस नाम से है? एमडी आसिफ यूपी वाला। एमडी आसिफ यूपी वाला। तो भाई अभी आए और उसके बाद मिलते हैं, कुछ चाय वही नाश्ता वास्ता कराते हैं ना, ठीक है, मिलते हैं आपसे। तो भाई सीन क्या है कि आज ना हमारा एडिटर नहीं है, एडिटर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सब कुछ सूट हमें करना पड़ रहा है। तो फिलहाल हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और मैं बिना नहाए ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लो भाई चाय तो लो, लेना। और वसीम भाई जो हमारा चाय है ना, अच्छी बात है। कैसी लगी चाय? जो मैंने बड़े चैनल पे डाला है, इनकी जर्नी कहाँ से इन्होंने शुरुआत करी और कितना टफ होता है एक हाथ से काम करना, बहुत सारी चीजें इसके बारे में रखी है। तो वो मोहम्मद अरबाज़ ऑफिसर पे आएगा और देखते हैं कि इनके पास क्या इक्विपमेंट्स है, क्या क्या हो सकता है आगे। तो इसी चल रही है, तो अभी ना हमें ब्रेकफास्ट चल रहा है, उसके बाद सूट्स करना है, हो सकता है अगर लाइट आ गई तो मैं नहाऊंगा, और उसके बाद जो है फिर मुझे क्या करना है, सूट्स करने के बाद फिर हमें लंच करना है। लंच में देखते हैं हम यहाँ करते हैं या फिर बाहर करते हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। भाई सीन क्या हुआ कि ये आए थे वहाँ से ना, जब चंदौली से, तो रात को आए 12 बजे। 12 बजे आए थे ना आप? जी जी, 12 बजे करीब उतर गए। तो मुझे ये उम्मीद थी कि इन्होंने रूम कर लिया होगा और ये बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर रह गए यार। नहीं, मेन चीज ये हुआ ना कि हम लोग 12 बजे उतरे। हाँ। और फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे। हाँ। तो हमसे कहाँ खोजने जाएंगे, वहाँ पे बाहर भी निकल के देखे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था हम लोगों को। अच्छा अच्छा, रहने लगता हूँ, सोचे की रात को यही बिताते हैं। भाई देखो, देख रहे हो मेहनत इनकी, एज ए क्रिएटर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो पिछले एक महीने से ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो भाई रूम ले सकते थे यार, मुझे फोन कर देते यार। कितने फोन किए थे मैंने कल आपको? नहीं, बहुत आपका तहे दिल से। अरे नहीं नहीं, कई बार फोन किया मैंने, सिर्फ ये फिक्र हो रही थी क्योंकि मतलब मैंने, मुझे उम्मीद थी कि रात को लेट आएंगे और मतलब पता नहीं ठंड चल रही है और बहुत ज्यादा परेशानी है। लेकिन मुझे जब ज्यादा जब खुशी हुई, आपने बताया कि मेरे साथ कोई और आ रहा है ना, तो थोड़ा ये चलो ठीक है यार, ये लोग संभाल लेंगे। मेरा तो फर्स्ट टाइम प्लान, आप जब फोन किए थे तो मैंने कहा था कि मैं अकेले आऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार एक लोगों को साथ में ले लेते हैं। अच्छा, तो ये अरबाज भाई, अरे जब से भाई को ले लिए साथ में, साथ चलते हैं, अरबाज भाई से मुलाकात करते हैं। ठीक, तो भाई फाइनली क्या हुआ कि पानी आ गया, और दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है पानी की और पार्किंग की होती है। तो पानी आ गया, मैं नहाता हूँ, नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो भाई फाइनली मैं नहा लिया हूँ और बहुत सुकून मिल रहा है। दिल्ली के अंदर ना यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है कि मैं जा रहा हूँ गेस्ट के पास। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। बोर तो नहीं हुए? नो, आप जब तक बैठाए रहेंगे बैठने के लिए तैयार। अच्छा अच्छा, तो अभी हम पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। ओके ठीक है, उसके बाद फिर लंच करना चलेंगे, ठीक है। तो भाई फाइनली मैंने लाइट सेटअप कर लिया, देखो सारा खुद मुझे खुद ही करना पड़ रहा है आज। और ये लाइट, ये कैमरा वगैरह हो गया, इधर हमारा फ्रेम आएगा और दोनों भाई बैठे हुए हैं अभी। तो अभी जो हम करने वाले ना, वो हम एक पॉडकास्ट आप कह सकते हो, बट उसको हम शूट करने वाले हैं। तो अभी ना हमारा इंटरव्यू हुआ, आई लिटरली क्राइड यार, क्या कहानी है इनकी। मतलब मैं तो यार सलूट करना मैं भाई आपको, जिस तरह का सफर रहा है ना वो इतना आसान नहीं है यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बहुत पहले बुलाना चाहिए था इन्हें। खैर, ओवरऑल इंटरव्यू हो गया हमारा और वो मेरे मोहम्मद अरबाज़ ऑफिसर पे डलेगा और तक कल ही डल जाए। और अभी जो हम जा रहे हैं वो लंच करने के लिए जा रहे हैं। जमशेद भाई आए हुए हैं, इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और अभी जो हम लंच करने जाते हैं, लंच जो हम आज बाहर करेंगे। तो मैं ना आज बहुत दिनों बाद अपने रूम से निकला हूं, और क्योंकि दोस्त आए हुए हैं तो लंच करना था। जब मैं लंच करता हूं ना अक्सर यहां, तो यहां पर एक सबसे जो मेरी फेवरेट है वो है जावेद बावर्ची रेस्टोरेंट। मुझे इनकी चटनी बहुत अच्छी लगती है बिरयानी के साथ। तो आज मैं इन्हीं की शॉप में जा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, इतनी आसानी से नंबर मिलता नहीं है। तो जस्ट सामने है जावेद बावर्ची रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं,
देख रहे हो आप कितनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। नंबर मिल जाएगा बिरयानी का? नहीं, तो यहाँ पर ना बहुत सारी वैरायटी है। इनके पास एक्चुअली मीठे चावल भी होते हैं और इनका चिकन कोरमा भी होता है और चिकन कीमा। तो हमने जो बोली है ना एक्चुअली बिरयानी बोली है, और इनका टेस्ट जो है बिरयानी का ना स्पेशली चटनी का बहुत अच्छा लगता है। तो वेट करते हैं, 15-20 मिनट लगेंगे, फिर देखते हैं कैसा टेस्ट है। कैसा लगा टेस्ट, पसंद आया? बहुत बेहतरीन। सही बताओ, बिरयानी सच्चे में फेवरेट है, हर किसी की बिरयानी फेवरेट होती है। यहाँ की अच्छी है ना? बहुत बेहतरीन है। जमशेद भाई कैसे लगे? बहुत बेहतरीन, और मेरा फेवरेट है बिरयानी, और लजीज हो गया, दोनों मिल गया। हर बार भाई साथ में है तो फेवरेट क्यों नहीं होगी। तो जब मैं इनके बिरयानी खाने आता हूँ ना, तो क्या होता है कि मुझसे कहते हैं भाई बिरयानी के पैसे मतलब चटनी के पैसे दे दो, क्योंकि इनकी एक्चुअल में जो चटनी है ना बहुत ही शानदार होती है। और मतलब मैं बहुत कम दुकानें सेलेक्टेड करता हूँ, उसमें से एक दुकान यह है जावेद बावर्ची, बहुत ही शानदार टेस्ट है। तो अभी हमारा लंच हो गया, अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो भाई हमने ना फिलहाल लंच कर लिया है और गेस्ट आए थे उनका भी हो गया। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं इनके ना ओनर से मिलाता हूँ आपको। कैसे भाईजान? बढ़िया। ख़त्म कर दी? तो कितनी देर में ख़त्म कर दी? 10 मिनट भाई। ये होता है देखो, बिल्कुल ही खत्म हो गई, अभी 10 मिनट पहले मंगाई थी, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। स्पेशली इनकी ना मुझे चटनी अच्छी लगती है, बाकी सारे आइटम इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। तो लगभग एक घंटे के अंदर सब कुछ खत्म होने वाला है, ये देखो। अच्छा, चटनी में ऐसा क्या मिलाते हो या लोगों को पागल कर देते हो? चटनी में ऐसा कुछ नहीं। कितने साल पुरानी शॉप होगी अपनी? ये शॉप जो है 5 साल पुरानी है। 5 साल पुरानी? 5 साल शॉप जो है लगभग जो है 15 साल पुरानी। अच्छा अच्छा, चलिए लोग आएंगे खाना खाने के लिए यहाँ को, फिर डिस्काउंट मिलेगा हमारी तरफ से आएंगे तो। डिस्काउंट मत देना, चटनी ज़्यादा दे देना उन्हें, ठीक है। देखो हमारे जाके नगर में ना कितनी भीड़ रहती है, जाम रहता है, इसलिए ना मेरा बाइक निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ये देखो। तो मैं ना अभी जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, चाय की तलब हो रही है, और जब मैं जाके नगर में रहता हूँ ना तो मुझे मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि लोग ना यहाँ बहुत जानते हैं। दिखाता हूँ अपने दोस्त की। तो भाई अभी हम आए अपने दोस्त की दुकान पर चाय पीने के लिए, ईरानी दम चाय। हाँ भाई, चाय मिलेगी पीने के लिए? जी बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, तो ये हमारे आसिफ भाई, बढ़िया। जमशेद भाई और भाई वसीम, दे दो यार 3 जगह चाय दे दो। भाई मुझे ना यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मैं जाके नगर कभी आप आओ ना तो यहाँ पर इनकी जो ईरानी दम चाय है ना ये जरूर पीना। पहलवान लस्सी है, उसी के जस्ट में बराबर में है, यानी 12 नंबर गली के कोने पर है शॉप, बाकी मैंने आपको वो दिखा दिया है। तो यहाँ की बिरयानी मैंने बताई थी आपको, जावेद बावर्ची, और उसके बाद ईरानी चाय। तो भाई मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और भाई कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। पहली बार मिले हैं अरबाज भाई से, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार मिला हूँ, एकदम भाई की तरह हर चीज ट्रीट किए, खाना खिलाए, हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जाते जाते ये भी कहना चाहूंगा भाई का तहे दिल से शुक्रिया जो कि हमें यहाँ बुलाए, इतना खिदमत किए। अरे नहीं, कुछ नहीं। और एक शेयर करने का छोटी सी स्टोरी अपने चैनल पर डाले हैं, तो आप सभी लोग उसको भी प्यार दीजिएगा, बस उतना ही कहना चाहूंगा। और जमशेद भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है कि जमशेद भाई को तो घर जाना है, आसिफ भाई तो अभी दिल्ली रहेंगे, दिल्ली रहें, आगरा जहाँ जहाँ, मुझे भी निकलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम में मेरी जो है आउट ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग जो है शुरू होने वाली है, लगातार 2 टूर है, आपको मज़ा आएगा। तो इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और जो भी मैं और मुझे खिदमत का मौका मिल सकता था वो नहीं हो पाया, खैर लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मौका दोगे, ठीक है। आसिफ भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जमशेद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।